एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किसके रेसिप्रोकल से, -7/16 से। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7, इसको उल्टा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7। मल्टीप्लाई करेंगे -96/13 = 91। दिस इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू, देखिए 1/3 है, इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो है अलाउ होगी कि हम इसको सॉल्व करें। देखिए इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या था, एसोसिएटिव, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दैट इज क्या पढ़ी थी हमने ये प्रॉपर्टी, ए इंटू वी इंटू सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए इंटू वी इंटू सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या 8/9 -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो 8/9 सबसे पहले हम सॉल्यूशन इसको सॉल्व करें, -1/8 ये क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 1 = 9, -9/8। अब ये हमारे पास 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8/9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम उसके इनवर्स से उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 पॉजिटिव। नाउ 8/9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इनवर्स से, -9/8, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, आंसर इज -1। लेकिन हमें क्या चाहिए इसमें, हमें तो पॉजिटिव 1 चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। सो व्हाट इट्स प्रोडक्ट मस्ट बी 1, लेकिन यहां पे तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1। सो देयरफॉर 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ई 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3, सेम एज इट इज है ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। अब हमें बताना कि 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/1/3 का। तो सबसे पहले हमें 3/1/3 को सॉल्व करना है, 3 × 3 = 9, 10/3। नाउ अब हम क्या करेंगे, 0.3 को 3/1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गई है, 0.3 3/10 हो जाएगा, एंड 3/1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 10/3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल इज इक्वल टू 1।
तो हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वन आता है, तो हियर आंसर इज वन। सो देयरफॉर यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1.3। ये तो आ गया हमारे पास इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह दिया है रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। उसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का जीरो। अब जीरो ही क्यों रेसिप्रोकल है हमारे पास, कि इसका जो है रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास ये जीरो नंबर है, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हम दैट इज रेसिप्रोकल इज 1.0। 1.0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर बताना है कि उसका कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, वो क्या है जीरो। सेकेंड पार्ट है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर बताने हैं आपने जिनका जो है दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही होते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपके पास 1 एंड -1। देखिए 1 का जब हम रेसिप्रोकल 1.1 लिख सकते हैं तो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल आ रहा है ये, हम 1.1 को फिर से 1 लिख सकते हैं, -1 है तो 1.-1 लिख सकते हैं, तो ये फिर -1 मींस ये क्या है हमारे पास, ये अपने रेसिप्रोकल जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल है। ऐसा रैशनल नंबर है, देखो 1 ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, -1 भी ऐसा रैशनल नंबर है जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, अब ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो कि इसके नेगेटिव के इक्वल होगा जीरो। बिकॉज अगर हम जीरो लिखते हैं इसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं तो इसका भी आंसर क्या होगा जीरो। सो ऐसा नंबर जो है रैशनल नंबर जो है इक्वल टू इट्स नेगेटिव वो क्या है जीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास जीरो हैज फिल इन द ब्लैंक्स रेसिप्रोकल। तो अभी हमने पढ़ा कि जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो हमें सिर्फ यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है नो। सेकंड है द नंबर, अब यहां पे टू फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, कैसे नंबर बताने हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये पढ़ा कि ऐसे कौन से नंबर हैं 1 एंड -1, ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। थर्ड इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, अब -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ -5 अब इज -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हम इसको उल्टा कर देंगे 1/-5 हो जाएगा हमारे पास। फोर्थ पार्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ अभी देखिए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हमें लिखा हुआ है, अगर हम एक्स जीरो लेते हैं तो 1/0, क्योंकि 1/x है, अगर हम x की वैल्यू जीरो लेते हैं, क्यों नहीं हमें बोला कि x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, अगर हम 1/0 लिख देते हैं तो इसका आंसर इनफाइनाइट दैट इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू जीरो। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज दैट इज x। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। देखिए प्रोडक्ट जो होता है टू रैशनल नंबर का वो क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे रैशनल नंबर। सिक्स पार्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज क्या होगा, कि अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं किसी पॉजिटिव नंबर का वो तो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5। अगर हम 5/6 का रेसिप्रोकल लेते हैं 1/6, लेकिन ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये पॉजिटिव ही आ रहा है। तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
कल हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।